एवरीवन, चलिए आज आपको लेके चलती हूँ अपने साथ काली माता के दर्शन करवाने के लिए। उससे पहले इस व्यू पॉइंट को देखिए, ये हमारे घर के यहाँ का था, है ना मस्त। तो हम जा रहे हैं स्कूटी पे, और आजकल तो वैसे भी कितना ट्रेंडिंग जैसा है ना, स्कूटी बाइक या कार पे वीडियो बनाना। मैं के जब हस्बैंड हो साथ में तो काहे का डर मैं भी इस ट्रेंड को फॉलो कर लूं, और रास्ते में आते जाते जो भी मस्त मस्त वाले व्यू पॉइंट है उन सबको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कैप्चर कर सकूं। तो हमारी कुल माता नैना माता है, और नैना माता के यहाँ जाते हुए रास्ते में ना ये ताल जैसा पड़ता है। यहाँ पे जो पांडव आए थे वनवास के टाइम पे, यहीं आके उन्होंने पूजा वगैरह की थी। तो ये 7 ताल हैं यहाँ पे ऐसे ही पानी के। अब फाइनली हम माता रानी के दरबार में पहुँच चुके हैं, और जोर से बोलना जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हम ना जब भी घर पे होते हैं तो मंथ में एक ना एक बार तो आते ही हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अभी जो नैना माता है ना, ये मंडी के मैक्सिमम लोगों की कुल माता है। अब फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, माता रानी के दर्शन अच्छे से किए। आप भी माता रानी के दर्शन कर लो, और अपनी जो भी विशेज हैं, जो भी मन की मुरादें हैं, उनको माता रानी से मांगिए। और मैं आशा करूंगी, मैं प्रे करूंगी कि माता रानी आप सबकी विशेज को फुलफ़िल करे, साथ में मेरी भी जो ढेर सारी मन की मुरादें हैं वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाए। और फिर से जोर से बोलना जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई। अच्छे से माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने नंदी बाबा जी से भी अपने मन की मुरादे मांगी, और फिर नाना माता के यहाँ से सामने की व्यू पॉइंट को एंजॉय किया। ये सामने का व्यू पॉइंट इतना अच्छा है ना, मतलब मन करता है कि बस आप यहीं पे रुक जाओ और इन सामने वाली पहाड़ियों को देखते रहो। उसके बाद फिर हमने लंगर खाया, क्योंकि लंगर खाना भी बनता है दरबार में आके। और उसके बाद झोला उठा के चल पड़े हम रिवालसर। हम जब भी नैना माता आते हैं तो रिवालसर घूमते ही घूमते हैं। रिवालसर आके मोमोज खाना भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे मोमोज कितनी सारी शॉप से कि आप खुद को नहीं रोक सकते। उसके बाद हमने यहाँ के मंदिरों में दर्शन किया, और ये रिवालसर की मेन पावन झील है। इसको पावन झील इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि इसके आसपास 3 धर्मों के मंदिर है, बौद्धिस्ट, सिख और हिंदू। अब दर्शन करने के बाद हमने गोलगप्पे खाए, क्योंकि गोलगप्पे खाना भी बनता था, इसके बिना तो दिन खत्म नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर से मैंने सारी की सारी झील का अच्छे से वीडियो कैप्चर किया। एक तरीके की मेमोरीज भी हो जाती है ना, कि कल को पत्नी तब जैसे टाइम मिले, और फिर आपको भी तो दर्शन करवाने थे, फिर इतना थक गए थे, हेलमेट उठाया, झोला उठाया और घर पे हम आ गए।